बिहार चुनाव के दंगल को जीतने के लिए बीजेपी ने लगाया जोर। आज होगी बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष ने बिहार से पार्टी के सभी सांसदों की बुलाई बैठक। चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। बिहार में महागठबंधन की बढ़ेगी ताकत। रघुवंश प्रसाद के विरोधी रामा सिंह का ऐलान। आज होंगे आरजेडी में शामिल। लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व सांसद रह चुके हैं रामा सिंह। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर कमलनाथ ने कसी कमर। किसानों की कर्ज माफी का सबूत देते हुए दिखाई पेन ड्राइव। आज किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर करेंगे बात। अर्जुन और खेल रत्न पुरस्कारों के विजेताओं को आज ऑनलाइन किया जाएगा सम्मानित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देंगे सम्मान। पुरस्कार से नवाजे जाएंगे कई खिलाड़ी। 65 विजेता होंगे कार्यक्रम में शामिल। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तेज हुई हलचल। आज कांग्रेस ने बुलाई बैठक। पार्टी नेता करेंगे बीजेपी को घेरने की रणनीति पर चर्चा। सुशांत सिंह मामले की नहीं सुलझी गुत्थी। आज भी रिया के भाई शोविक से पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। रिया ने कहा, मैं और मेरा परिवार बेकसूर है। आज मनाया जाएगा मुहर्रम। उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार के जुलूस पर लगाई गई रोक। बढ़ती महामारी को देखते हुए सीएम योगी का आदेश, 30 सितंबर तक नहीं होगा कोई कार्यक्रम। मॉस्को में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम का आयोजन। भारत ने अपना डिफेंस पेवेलियन भी लगाया। रूसी मंत्री सर्गेई शोइगु ने की शिरकत। आज कई नेता भी करेंगे दौरा। चंडीगढ़ में लोगों को करना पड़ेगा परेशानी का सामना। शनिवार और रविवार को लगेगा कर्फ्यू। लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने की नहीं मिलेगी इजाजत। महामारी को देखते हुए लिया गया फैसला। दुबई पहुंचते ही सीएसके को लगा झटका। एक तेज गेंदबाज और 12 स्टाफ संक्रमित। पूरी टीम एक हफ्ते से ज्यादा रहेगी क्वारंटीन। आज आएगी बाकी खिलाड़ियों की रिपोर्ट।